की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बयान जारी किया है। 2024 से पहले विपक्षी एकता को इस बयान के बाद एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। शरद पवार ने कहा कि अडानी केस में जेपीसी से निष्पक्ष जांच नहीं होगी, इस मामले में जेपीसी का गठन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी जांच करे तो सही है। शरद पवार ने कहा कि हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है और वो हमारे इंटरनल मामले में स्टैंड ले रही है। कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रह गए और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं, और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है किस में, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज, और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।